पौष्टिक पकवान किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सवाई माधोपुर के जो बहुत ही फेमस बड़े होते हैं उसकी रेसिपी बताऊंगी। राजस्थान के सबसे फेमस पोज बड़े की रेसिपी पहले ही मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपको सवाई माधोपुर के बड़े बताऊंगी। इसकी रेसिपी वैसे लगभग सेम ही रहती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर रहता है, वो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर मैंने जो सामग्री ली मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने दाल ली है चवले की दाल ही पोज बड़े में डाली जाती है। चवले की दाल एक कटोरी ली है मैंने, मूंग की धुली दाल आधी कटोरी और आधी ही कटोरी चने की दाल। इन तीनों को मैंने 5 से 6 घंटे के लिए गला के रख दिया था। इसका मैं एक बारीक पेस्ट बना लूँगी, उसके आगे की प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए तीनों दाल का मैंने एक बारीक पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया था। यहाँ पर आप हरी मिर्च देख रहे हैं मीडियम साइज़ की। जब हम पोज बड़े बनाते हैं तो उनमें हरी मिर्च हम बारीक बारीक काट के डालते हैं, लेकिन जो सवाई माधोपुर के पोज बड़े रहते हैं उसमें इस साइज़ की जो मिर्च रहती है उसके 2 या 3 पीस करके इस तरह से फिर इनको फ्राई किया जाता है और फिर बड़े के अंदर ऐड किया जाता है। तो हम इन मिर्चों को जो छोटी हैं उनके 2 पीस कर लेंगे और जो बड़ी हैं उनके 3 पीस करके मैं इनको फ्राई करूँगी और फिर हम इसको बड़े के पेस्ट के अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इनको काट लिया है। अब मैं इनको तेल में फ्राई करूँगी, फिर हम इसमें डालेंगे। ये देखिए मिर्च फ्राई करने के लिए मैंने छोटी पैन चढ़ा दी है। इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैं मिर्च ऐड करूँगी। इस मिर्च को हमको सॉफ्ट होने तक पकाना है। ये देखिए मिर्च हमारी अच्छे से पक चुकी है। मैंने इसको ढक के पकाया था, गैस में ऑफ कर देती हूँ। इस मिर्च को हम पेस्ट में डालेंगे। इसमें 1 बड़ी चम्मच हम बेसन भी ऐड करेंगे। इस तरह से आप ये बड़े बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेस्ट थोड़ा पतला हो गया तब इसमें और बेसन ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग से भी मिर्च फ्राई करके नींबू डाल के इसके साथ खा सकते हैं, लेकिन माधोपुर के बड़े की यही विशेषता है कि इसमें साथ में मिर्ची ऐड की जाती है। ये देखिए फ्राई की हुई मिर्च मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दी है और बेसन भी अच्छे से मिक्स कर दिया। बाकी की सामग्री हम इसमें ऐड करते हैं। हींग 1 से 2 पिंच, सौंफ 1 चम्मच छोटी चम्मच, जीरा भी 1 छोटी चम्मच, नमक 1 चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 छोटी चम्मच नमक डाला है, पिसी मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 पिंच, साथ में हम हरा धनिया भी काट कर इसमें ऐड करेंगे। इस सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सारी सामग्री मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर ली है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 छोटी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारे हम बड़े फ्राई करते हैं। चलिए अब हम हमारे जो बड़े हैं फ्राई करते हैं। पैन में मैंने ऑयल चढ़ा दिया है और ऑयल गर्म हो चुका है। अब हमारे हम बड़े फ्राई करते हैं। आप जैसे भी डालना चाहें, हाथ से या चम्मच से। एक एक बड़ा डालिए इसमें, ये थोड़े बड़े साइज के बनते हैं। इनको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे। बड़ों को हमको अच्छे से फ्राई करना है। अगर आप डबल फ्राई करेंगे तो ये और अच्छे बनते हैं। इनको फ्राई करके थोड़ा ठंडा करके फिर से डबल फ्राई करना, तो उसमें और ज़्यादा अच्छे बनते हैं।
अच्छे लाल होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए बड़े मैंने बिल्कुल अच्छे लाल होने तक फ्राई कर लिए हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ। इसमें अच्छी बड़ी बड़ी मिर्च दिखती है कटी हुई, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, इनको हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह से जो हमारा बाकी का पेस्ट है उसके भी हम बड़े बना लेते हैं। ये देखिए सारे बड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे सवाई माधोपुर के बड़े बिल्कुल रेडी हैं। अगर आप माधोपुर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में इस तरह से बना के खाइए, सेम वैसे ही हैं। आप इसको चटनी के साथ खा सकते हैं, वैसे तो ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो हरी चटनी या तली हुई मिर्ची के साथ आप इसको ले सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।